नमस्कार दोस्तों, आपका पारमिस्ट्री ज्ञान चैनल में एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि आपके हाथ में अगर ये चिन्ह है, ये पर्वत उठा हुआ है, आपके रेखाएं हैं, तो आप जिंदगी में अवश्य अथाह धन संपदा के मालिक बनेंगे। और दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखें। इस वीडियो के माध्यम से आपको एक नई और रोचक जानकारी मिलने वाली है। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो कृपया आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आइए अपने हाथ की तीन मुख्य रेखाएं देखते हैं। सबसे पहले हमारी ये जीवन रेखा है। जीवन रेखा हमारे जीवन में होने वाली घटनाक्रम के बारे में बताती है। कि हमारी मस्तिष्क रेखा है, हम किसी बात को कितना गहरे ढंग से सोच सकते हैं। ये हमारी हृदय रेखा, हम किसी के साथ कितना हमारा भावुकता प्यार है उसके बारे में बताती है। सबसे पहले हमने बात की है अथाह धन संपदा के मालिक बनाने वाली रेखाएं कौन सी है। ये हमारे सूर्य का लाइन है, सूर्य का पर्वत है। सूर्य का पर्वत उठा होना चाहिए और इस पे कोई बुरे चिन्ह नहीं होने चाहिए। और यहां पर एक शुभ साइन जो कि फिश साइन मानी जाती है, आपको जीवन में अथाह धन संपदा का मालिक बनाती है, बहुत अमीर बनाती है। आपको जिंदगी में कभी पैसे की कोई कमी नहीं रखती है। इंसान निरंतर प्रयास करता है और आगे की सफलता पाता है, मान सम्मान में वृद्धि कर देते हैं यहां पर ये फिश की साइन। और इसी के साथ एक शुभ साइन इसी पर और देखते हैं, जैसे कि यहां पर त्रिशूल है। त्रिशूल वैसे भी शुभ साइन माना जाता है, हस्तरेखा में कहीं भी है, इसका बहुत ही शुभ फल प्रदान करता है। ये मोक्ष का कारक है। ऐसे लोग भगवान शिव की अगर पूजा करते हैं तो उनको अतिरिक्त बेनिफिट मिलता है, जीवन में बहुत तरक्कियां पाते हैं। और इनको ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ना, सरकार की सेवा में, सरकारी नौकरी की सेवा में अवश्य इनको मौका मिलता है। और ऐसे लोग जिंदगी के किसी भी पड़ाव पर हो, उनको सफलता उनके हाथ निश्चित लगती है और जिंदगी के हर ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं। अगर हम इसी त्रिशूल की बात करते हैं तो भगवान शिव का वरदान है। ऐसे लोग जीवन में उन्नति करते हैं, तरक्की करते हैं और अपनी इस तरक्की की कामयाबी उनके कदम चूमती है। इसी के साथ एक शुभ साइन और देखते हैं, ये चंद्रमा का क्षेत्र है। चंद्रमा का क्षेत्र मन का कारक होता है, आपके सोचने की कला के बारे में बताता है कि आप कितनी आपके अंदर पावर है, शक्ति है, उस चीज को प्रदर्शित करता है। यहां पर एक सीढ़ी सीढ़ी आपके हर इच्छा को पूर्ण कर रही है, हर इच्छा के। इसमें चार खाने बने होने चाहिए, ये आपको करोड़पति बना देती है। आपके दिमाग इतना प्रॉपर काम करता है, ये कितना शुभ साइन है। जिंदगी में आपको ऊंचाइयों पर लेके जाती है, जैसे एक पौड़ी पौड़ी इंसान चढ़ता जाता है, वैसी जिंदगी की हर तरक्की की तरफ आप बढ़ते चले जाते हैं। आपको करोड़पति अरबपति तक बनाती है, जिसके हाथ में होती है। ये बड़े नसीब लोगों के हाथ में ऐसा चिन्ह पाया जाता है। इसी के साथ एक शुभ साइन और देखते हैं, बुध का। ये बुध की फिंगर है और बुध की ये जो फिंगर है और बुध का पर्वत है उठा है, तो आपकी बोली बाणी इतनी मधुर है, आप एक दूसरे की बात को इतनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन अपनी बात कर सकते हैं और उसकी मन की बातें समझ जाएंगे। और आपका बिजनेस सेंस जो होता है ना, काफी एक्टिव होता है, बहुत ही अच्छा होता है। ऐसे लोग बिजनेस करके जिंदगी में अथाह धन संपदा के मालिक बनते हैं। यहां पर खड़ी रेखाएं ये आपके बोली और वाणी को मधुर बना देती है, आपके बिजनेस सेंस को बढ़ा देती है। और यहां पर एक शुभ साइन, अगर यहां पर एक शुभ साइन बनता है त्रिकोण का, त्रिकोण काफी शुभ साइन माना जाता है। ऐसे लोग बिजनेस के दम पर व्यापार करके विदेशों से बहुत ही अधिक मात्रा में धन कमाते हैं। ऐसे अगर एक बुध की एक खड़ी रेखा भी हो, ऐसे लोगों की जो पत्नी होती है सपोर्टर होती है, उनके बिजनेस में हाथ बंटवाती है और उनकी जिंदगी में हर साथ देती रहती है। और ऐसे लोगों का जो विवाह होता है बड़े घराने में होता है,
अतः धन संपदा के मालिक यहाँ बना देते हैं, ये त्रिकोण बिजनेस सेंस को बढ़ा देता है, उनकी बोली बाणी को इतना मधुर बनाता, हर एक्टिविटी को समझने की कला दे देता है यहाँ पर बुद्ध की, ये जो त्रिकोण बनता है। इसी के साथ हम गुरु के पर्वत पर आते हैं, ये गुरु का पर्वत है। गुरु का पर्वत जो होता है महत्वाकांक्षाओं का होता है, आपके ज्ञान का होता है, आपके विवेक का होता है। अगर यहां पर एक त्रिभुज का साइन बनता है, त्रिकोण का साइन बनता है, त्रिकोण का साइन हम प्रॉपर ये तीन रेखाओं से मिलके बना हो, अगर ये प्रॉपर बना है तो जिंदगी में आप ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। ऐसे लोगों को सरकारी लाभ मिलता है, पॉलिटिकल लाभ मिलता है और जिंदगी में हर तरक्कियां इनको मिलती हैं। ऐसे लोग, बड़े बड़े लोग इनके संपर्क में आते हैं और इनकी सपोर्ट होती है और इनको सपोर्ट मिलता है। ऐसे लोग एक किसी भी क्षेत्र में हो, प्रबंधक का काम करते हैं, ज्ञान देने वाला काम करते हैं, ऐसे लोग निरंतर ऊंचाइयों पर बढ़ते जाते हैं और जिंदगी में तरक्की ही तरक्की पाते हैं, पैसे की इनको कभी कमी नहीं महसूस होती है। और इसी पे एक शुभ साइन और देखते हैं, ये हमारी जीवन रेखा है। जीवन रेखा से निकली एक प्रोग्रेस रेखा, इसको हम प्रोग्रेस रेखा बोलते हैं, इसको हम उन्नत रेखा बोलते हैं, इसको हम सफलता रेखा बोलते हैं। अगर आपके हाथ में जीवन रेखा से निकलकर गुरु पर्वत की तरफ एक ये रेखा निकलती है तो आपकी सफलता आपके कदम चूमती है। ऐसे लोग निरंतर प्रयास करके अपने मेहनत के दम पर बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं, चाहे वो सरकार की क्षेत्र से, चाहे वो अपने बिजनेस की क्षेत्र में, जिस चीज में वो प्रयास करते हैं सफल अवश्य होते हैं। अगर बिजनेस करेंगे तो बिजनेस में सफलता दिलाती है, अगर वो सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो उसमें भी सफलता उनको निश्चित मिलती है। और इस साल जिस एज में यहां पर जीवन रेखा से आकांक्षा महत्वाकांक्षा रेखा निकलती है उसकी सफलता की सूचक मानी जाती है। इसी के साथ ये हमारा शुक्र का क्षेत्र है, शुक्र के क्षेत्र पे वर्गाकार बनना, सुख समृद्धि देना, जीवन में हर तरक्कियां मिल जानी आपको। और ऐसे लोग विकास करते हैं, बड़े घर में रहने का सौभाग्य मिलता है, लग्जरियस लाइफ जीते हैं, जिंदगी का सारा ऐसो आराम बिताते हैं। ऐसे लोग किसी चीज की कमी नहीं होती है, सुखी जीवन जीते हैं। और ऐसे लोग जो विवाह करते हैं बड़े घराने में करते हैं, बड़े मान सम्मान के साथ, और दहेज में इनको बहुत कुछ मिलता है। यहां पे प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीजें, ऐसे लोगों को बड़ी सी बड़ी प्रॉपर्टी भी मिलती है। और यहां पर एक स्टार भी अगर बन जाए, एक लग्जरियस लाइफ जीने का आनंद दिलाती है, यहां पर आपके सारे भौतिक सुखों को प्राप्त कराती है। और यहां पर एक नेगेटिव फल देती है, कामुकता की तरफ जरूर लेके जाती है। इसी के साथ हम शनि की रेखा देखते हैं, हमारी भाग्य रेखा क्या है, हमारी सफलता रेखा क्या है, हम कितने भाग्यवान हैं उसके बारे में देखती है सफलता रेखा। एक निम्न परिवार में जन्म लिया हुआ व्यक्ति, अगर आपके हाथ में यह सफलता रेखा है तो जिंदगी में आप ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। आज आपका स्तर कितना नीचा क्यों ना हो, ये सफलता रेखा है तो जिंदगी में आप अपनी मेहनत के दम पर, अपने काम के दम पर, जिस भी प्रयास में लगते हैं वो सफलता ही सफलता देती है, आपको ऊंचाइयों पर पहुंचा देती है। क्योंकि सफलता रेखा आपके कर्म के आधार पर आपके भाग्य को बनाती है, रेखाएं तो सिर्फ इशारा करती है, भाग्य तो खुद को अपने आप प्रयास करना पड़ता है। इसी के साथ एक शुभ साइन और देखते हैं, ये राहु का क्षेत्र है। राहु के क्षेत्र पर त्रिकोण का बनना आपकी जिंदगी में अचानक सी तरक्की मिलना, आपको अचानक सी शोहरत मिलना, अचानक से अकूत धन संपदा के मालिक बनाती है यहां पर। और ये त्रिकोण क्या करता है, आपको जैसे प्रॉपर्टी से, आपकी पुरानी प्रॉपर्टी से या आपके
पेरेंट्स की प्रॉपर्टी से या आपको लॉटरी से सट्टे से अचानक सी वृद्धि करती है यहां पर। और ऐसे लोग यात्रा भी भरपूर करते हैं, जीवन में हर सफलता इनको मिलती है। राहु का काम है अचानक से चीजें देना, बहुत अधिक मात्रा में देना, और ये चीजें राहु समझौता करवा देता है। जैसे रातों रात लॉटरी का टिकट लेते हो आपको अचानक से मालामाल बना देती है, ऐसे लोग रातों रात अमीर बन जाते हैं। चाहे किसी की वसीयत मिलती है उसके दम पर काफी अमीर बन जाते हैं। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी वीडियो। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो कृपया आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।